Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. Yes, I'm here again with another interesting video which is about The Rape of the Lock by Alexander Pope. और रेप ऑफ द लॉक का हम लोग लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ेंगे. कैंटो वन स्टार्ट करूँगी और 50 लाइंस को कवर करेंगे. इससे पहले मैं आपको लेट मी टेल यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर बुक विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ. तो अलेक्जेंडर पोप ने इसको लिखा था बेलिंडा की स्टोरी बताने के लिए, जिसकी जो लॉक थी यानी जो बालों का जो गुच्छा होता है, यानी जो बालों के जो कर्ल्स लेडीज़ बनाती हैं, ठीक है, यानी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए, दूसरे लोगों को कैप्टिवेट करने के लिए. असल में ये एक मॉक एपिक है, ये सटायर है, सोशल सटायर है, जिससे उसने बताया कि कितनी ट्रिवियल थिंग्स को एक बड़ा इशू बनाकर पेश किया जाता था. और लेडीज़ जो थी और यानी जो लवर्स थे और जितने भी जो यानी यंग जनरेशन थी, वो किस तरह इन्वॉल्व हो रही थी फैशन की तरफ और उनका जो था ध्यान यानी बिल्कुल हटा हुआ था सीरियस मसलों से. बिल्कुल एक यानी छोटी छोटी बातों को लेकर वो एक दूसरे से लड़ झगड़ पड़ते थे. तो इसमें जो दूसरा कैरेक्टर है वो लॉर्ड पीटर का है. लॉर्ड पीटर ने बेलिंडा का जो लॉक थी बालों की यानी उसको कट किया था. और जो कैरल हैं उन्होंने अलेक्जेंडर पोप को बताया था इस सारे इंसिडेंट के बारे में और फिर उन्हें कहा था कि वो इसके ऊपर कुछ लिखें ताकि जो है इस मसले को इस मसले का हल निकाला जा सके, ठीक है. तो अलेक्जेंडर पोप ने ये मॉक एपिक लिखी थी बेलिंडा से, उन्होंने इस चीज़ की परमिशन भी ली थी ताकि बाद में उनको इस चीज़ का कोई इशू ना हो. तो स्टार्ट करते हैं कैंटो वन से. What dire offense from amorous causes springs? What mighty contests ride from trivial things? I sing this verse to Carol, muse is due. This even Belinda may vouchsafe to view. Slight is the subject, but note so the praise. If she inspire and he approve my lays. ये मैंने एक स्टंजा पढ़ा है तकरीबन, ये इट कंसिस्ट ऑन 6 लाइंस. मैं आपको इसका साथ साथ इसको एलाबोरेट करती जाती हूँ. ये जो रेप ऑफ द लॉक है थोड़ी सी आप यानी स्टूडेंट्स को टफ लगती है, मुझे भी लगी थी, लेकिन हम जब इसको एक यानी एक स्टोरी के तौर पर एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से राइमिंग स्कीम को सेट किया गया है तो आपको बड़ा मज़ा आता है. इसको आपने पैनिक नहीं लेना अपने ऊपर कि ये यानी कोई टफ़ है या ये क्या बातें हो रही हैं या क्या है. आपने इसको एज अ स्टोरी जो है वो पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ का. आजकल की सिचुएशन तो बिल्कुल इसके साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है. वो कह रहा है कि व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम एमरस कॉजेस स्प्रिंग, यानी ऐसा क्या कोई जुर्म था, ऐसा क्या संगीन जुर्म था जो यानी ऐसी आशिक मिजाजी जो होती है, यानी जो लव अफेयर्स होते हैं उसका ये कॉज बना, यानी कुछ इस तरह की बातें छोटी सी, यानी कैसे एक छोटा सा मसला, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने एक यानी इतने बड़े मसले को उठा दिया, एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया एक छोटी सी चीज़, यानी क्योंकि उसने तो सिर्फ बेलिंडा की, लॉर्ड पीटर ने सिर्फ बेलिंडा की लॉक को कट किया था ना. तो वो कहता है ऐसी क्या यानी वजह है जो इन लव अफेयर से उठती है और बड़े बड़े मसले यानी खड़े कर देती है एक छोटी सी चीज़ को लेकर, ठीक है. आई सिंग दिस वर्स टू कैरल, वो जो है यानी जो अलेक्जेंडर पोप के जो फ्रेंड थे कैरल, वो कहते हैं कि मैं यानी ये डेडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि कैरल की वजह से ही उन्होंने इस मॉक एपिक को लिखना स्टार्ट किया. म्यूज़ इज़ ड्यू, यानी जो होती है ना जिस तरह हम लोग देखते हैं कि जो मिथ्स होती हैं यानी उनके अकॉर्डिंगली जी पोइट्री की भी जो है वो देवी है, अर्थ की देवी है, यानी हर तरह की जो हैं वो देवियाँ होती हैं, गॉड होते हैं, गॉडेसेस होती हैं. तो उनके हिसाब से यानी वो कहते हैं कि जो शायरी की जो म्यूज़ है उसको भी वो सामने रख के, यानी जैसे हम कहते हैं ना कि किसी की किसी को सामने रख के कसम खाना या क्या, तो वो कह रही है, कह रहा है म्यूज़ भी ड्यू है, ठीक है. दिस इवन बेलिंडा मे वाउचसेफ टू व्यू, अब वो ज़मानत दे रहा है कि यानी जो बेलिंडा है वो भी इस चीज़ की ज़मानत दे रही है, ठीक है, यानी उसने बेलिंडा को भी इस चीज़ पे अग्री कर लिया है कि वो उसका नाम लेकर कुछ लिखने जा रहा है. स्लाइट इज़ द सब्जेक्ट बट नोट्स ऑफ द प्रेज, वो कह रहा है
सब्जेक्ट तो बहुत छोटा सा है, बात तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है, जो वजह है, जो इससे वो मैसेज देना चाह रहा है, वो बहुत बड़ा है। इफ़ शी इंस्पायर एंड ही अप्रूव माई लेस, ही अप्रूव माई लेस यानी वो कैरल मार्क्स को वो कैरल को बोल रहा है जो उनका फ्रेंड है, ठीक है। और यहाँ वो बिलिंडा की बात कर रहा है कि जो बिलिंडा है उसको भी वो इंस्पायर करना चाहता है, यानी उसकी वजह से वो दूसरे लोगों को एक अच्छी जो बात है, एक अच्छा मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहता है, ठीक है। आगे करते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइंस और नेक्स्ट स्टंजा। See what strange motive goddess could compel a well-bred lord to assault a gentle ballet. Oh, say, what stranger cause a yet unexplored could make a gentle ballet reject a lord? In task so bold can little men engage, and in soft persons dwell such mighty rage. बहुत ही खूबसूरती से उसने राइम स्कीम को सेट किया अलेक्जेंडर पोप ने। अब वो कह रहा है, से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कंपेल अ वेल ब्रिड लॉर्ड टू असोल्ट अ जेंटल बैले। अब वो कह रहा है, गॉडेस को सामने रख के कह रहा है कि क्या ऐसी चीज़ थी, यानी गॉडेस से वो एक किस्म का क्वेश्चन कर रहा है, रिटोरिकल टेक्निक उसने यहाँ यूज़ किया है कि ऐसी क्या वजह थी जो एक अच्छे भले लॉर्ड पीटर को, यानी किस चीज़ ने मजबूर कर दिया। जैसे आपको यानी किसी चीज़ पे इंस्टिगेट किया जाता है, प्रोवोक किया जाता है, तो वहाँ ये बात कर रहा है कि किस चीज़ ने ऐसा उकसाया था उसको कि वो जाके यानी इतना अच्छा इंसान, इतना यानी एक वेल ड्रेस्ड इंसान जो है वो ये हरकत यानी करे कि उसने बेलिंडा की जो थी वो लॉक काटी थी। ओ से व्हाट स्ट्रेंजर खोज येट अनएक्सप्लोर्ड कुड मेक अ जेंटल बैलर रिजेक्ट अ लॉर्ड। अब वो क्योंकि उसने रिजेक्ट किया था ना लॉर्ड पीटर को, बेलिंडा ने रिजेक्ट किया था जब उसने उसको प्रपोज किया था, तो वो कहता है कि एक तो लॉर्ड पीटर जिसने उस चीज़ को यानी उसने बेलिंडा को प्रपोज किया, फिर बेलिंडा ने उसको जो था वो यानी रिफ्यूज़ कर दिया ना उसका प्रपोजल, उसके बाद फिर उसने उस चीज़ को उसके ऊपर उकसाया कि वो यानी उसकी जो थी जो लॉक थी उसका रेप करे, यानी उसको कट करे। आगे देखते हैं, इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन इंगेज एंड इन सॉफ्ट पर्सन ड्वेल सच माइटी रेज। अब वो यहाँ ये बात कर रहा है कि ये एक बोल्ड डिसीजन था ना, ये एक बड़ा ही बोल्ड डिसीजन था कि उसने उसकी जो लॉक थी उसका रेप किया था, उसको कट किया था। तो वो कह रहा है कि ये जो बड़ा ही जो बोल्ड जो टास्क था, कैन लिटिल मैन इंगेज, जिसमें एक यानी पीटर, लॉर्ड पीटर जो एक छोटा यानी आदमी था, क्योंकि इतना मेच्योर तो नहीं था ना, टीनेज दिखाई यानी एक जनरेशन दिखाई जा रही है जिस जो इतने उम्र में बड़े भी नहीं है, छोटे भी नहीं है, दरमियाने लेवल के हैं बच्चे जिन्हें हम कह सकते हैं बच्चे, तो वो इस ट्रिव्यूल से यानी चीज़ में इंगेज था, जिसने बेलिंडा को, बेलिंडा जैसे यानी मासूम फूल को, काइंड हार्टेड लेडी को एक बहुत ज़्यादा माइटी रेज यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में गुस्से के ऊपर यानी गुस्सा दिलाने में उसको उभारा, यानी उसको गुस्सा दिलाया इस चीज़ से, ठीक है। आगे कहते हैं, सोल थ्रू वाइट कर्टन शॉट अ ट्रेमुलस रे and oped those eyes that most eclipse the day. Now lapdogs give themselves the rousing shake and sleepless lovers just at 12 awake. Thrice rang the bell, the slipper knocked the ground, and the pressed watch returned a silver sound. अब यहाँ वो बड़ी ही खूबसूरती से बेलिंडा की खूबसूरती के ऊपर ज़ोर दे रहा है और बता रहा है कि किस कदर बेलिंडा को उसने खूबसूरती से पोर्ट्रे किया है। वो कह रहा है कि कर्टन्स के थ्रू, सोल थ्रू वाइट कर्टन्स शॉट अ ट्रेमुलस रे, यानी जो किरण है, जो सुबह की किरणें जो हैं वो आप इसे विजुअलाइज़ कर सकते हो, जैसे अक्सर मूवीज़ में भी ये सीन्स दिखाए जाते हैं कि आगे भी हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगता जाएगा कि कर्टन से जो लाइट है वो अंदर आ रही है और उन आँखों पे पड़ रही है जो कि यानी जो इतनी खूबसूरत हैं कि जिनकी वजह से यानी चांद ग्रहण लग सकता है, जिनसे सूरज ग्रहण लग सकता है, यानी इतनी खूबसूरत जो है उसको बेलिंडा को इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, ठीक है। एंड ओप दोज आइज दैट मस्ट एक्लिप्स द डे, यहाँ उसने मस्ट यूज़ किया है यानी ज़रूर इतनी खूबसूरत उसकी यानी कोई इस चीज़ में कोई शक है ही नहीं बेलिंडा के, जब यानी ऐसी जो सूरज की किरणें जो हैं
बेलिंडा की आंखों में पड़ी हैं, कर्टन से छन कर आ रही है उसकी रोशनी, जो कि यहाँ से तो वो यहाँ बात कर रहा है कि कर्टन से जो थी छन के रोशनी अंदर आ रही है और बेलिंडा इतनी खूबसूरत है कि उसकी यानी जो उसकी आंखें हैं वो जब वो जागेगी तो यहाँ यानी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लग जाएगा. ठीक है. नाउ लैपटॉप्स गिव्स देमसेल्फ द राउजिंग शेक एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक. अब यहाँ जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बिटर सटायर कर रहा है कि लैपटॉप्स जो है वो भी जाग गए हैं जबकि जो लवर्स हैं वो अभी तक सो रहे हैं जबकि 12 बज चुके हैं. ठीक है. यानी 12 बजे तो टाइम हो जाता है तकरीबन, 12 बजे के बाद तो आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता है ना. तो वो यही बता रहा है कि लैपडॉग्स उनसे पहले जाग चुके हैं. ठीक है. वो राउजिंग शेक ले चुके हैं जबकि यानी अपने आप को जैसे अंगड़ाई होती है ये ले चुके हैं और जो स्लीपलेस लवर्स हैं जो सारी रात जागते रहे हैं जो अपने ख्वाबों में खोए हुए हैं जो यानी जिनको सिर्फ प्यार मोहब्बत डांसिंग इनके अलावा म्यूज़िक के अलावा और कुछ चीज़ें सोचती नहीं हैं. और थ्राइस रंग द बेल द स्लिपर नॉक द ग्राउंड. यहाँ वो कह रहा है कि जिस तरह फिर मैं आपको कहूँगी कि जिस तरह मूवीज़ में देखते हो कि कोई बड़ी ही नवाबजादी जो है वो उठ रही है और उसने यानी बेल को रिंग किया है 3 से 4 दफ़ा और फिर वो अपने स्लिपर्स को ज़मीन पे खटखटाती है. ठीक है. एंड द प्रेस्ड वॉच रिटर्न अ सिल्वर साउंड. अब जिस तरह जो अलार्म क्लॉक्स होती हैं, ठीक है, अलार्म क्लॉक्स को यानी उसने बंद किया है और उसमें से एक यानी जो सॉफ्ट जो रिंगिंग साउंड होता है वो उसके अंदर से निकल रहा है. अब आगे देखते हैं साथ साथ. ये मैं जिस बुक से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ये काफ़ी ओल्ड बुक है. मुझे इसके ऊपर सिर्फ द रेप ऑफ द लोक लिखा हुआ है, कोई पब्लिशर का नाम नहीं है जो मैं आप लोगों को बता सकूं. लेकिन इसमें बहुत अच्छी लाइंस भी लिखी गई हैं. मैं कोशिश करती हूँ कि वो भी आप लोगों को पढ़ के बता दूँ ताकि आप लोग जब इसका यानी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखो तो उससे आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा. ठीक है. अब मैं आपको वो भी साथ साथ बता देती हूँ. आगे जो लाइन है वो है बेलिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड हर गार्डियन सेल्फ प्रोलोंग्ड द बाल्मी रेस्ट इट वाज ही हैड सिमोन टू हर साइलेंट बेड द मॉर्निंग ड्रीम दैट हवर्ड ओवर हेड अ यूथ मोर ग्लिटरिंग देन अ बर्थ नाइट बो दैट इवन इन स्लम्बर कॉज्ड हर चीक टू ग्लो. बहुत बहुत ही खूबसूरती से इसको अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है. हर लाइन जो है वो अपने अंदर बड़े प्यारे मीनिंग रखती है. अब वो कह रहा है बेलिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस. जिस तरह अब मासूम बच्चे जो होते हैं स्कूल के लिए जब हम उन्हें उठाते हैं तो वो अक्सर पिलो के अंदर अपना मुंह दबा लेते हैं. ठीक है. यहाँ वो ये यानी इमेज है जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. हर गार्डियन सेल्फ प्रोलोंग द बाल्मी रेस्ट. अब यानी उसके जो गार्डियन है ना जो सेल्फ हैं, ठीक है, सेल्फ जो है वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं. ठीक है. ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी शेप अडॉप्ट करते हैं या वो एक औरत बनना चाहते हैं या मर्द बनना चाहते हैं. ठीक है. ये भी आगे आपको क्लियर हो जाएगा. तो ये जो सेल्फ हैं उन्होंने उसकी इस नाजुकी को इस इंतज़ार को यानी इस रुक टाइम को रोकने को जिस तरह वो अभी नहीं उठना चाह रही और अपना जो है मुंह उसने पिलो में दुबाया हुआ है इस चीज़ को वो ज़्यादा बढ़ा देता है ज़्यादा उसको यानी प्यार से उसका टाइम जो है ये वो थोड़ा सा बढ़ा देता है. इट वॉज़ ही हैड सिमोन टू हर साइलेंट बेड द मॉर्निंग ड्रीम दैट हवर्ड ओवर हेड. यानी उसने अब जो यानी सेल्फ है उसने ये ऑर्डर किया है उसके बेड को कि उसकी नरमी अपने अंदर वो बढ़ा दे और उसको इंगेज कर दे ज़्यादा और उसके उस वो जो ख्वाब देख रही है जो सुबह के ख्वाब यानी बड़े नरम बिस्तरे में बड़े रिलैक्स मूड में वो जो मीठे मीठे ख्वाब देख रही है उसकी जो ताजगी है वो बढ़ा दे. ठीक है. अ यूथ मोर ग्लिटरिंग देन अ बर्थ नाइट बो दैट इवन इन स्लम्बर कॉज्ड हर चीक टू ग्लो. अब यानी जिस तरह उसको ख्वाब आ रहे हैं अपने लवर के, ठीक है, और उनकी यानी वो शर्मा सी रही है और उसके मुंह के उसकी गालों के ऊपर यानी जो है वो चीक्स उसकी जो है बड़ी ग्लो कर रही हैं ब्लश कर रही है वो और पिंकी शेड दे रही हैं. यानी ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप इन्हें विजुलाइज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ की समझ आ जाएगी. ठीक है. फिर आगे वो कहती है कहता है सीम टू हर ईयर हैज़ अ विनिंग लिप्स टू ले एंड थर्स इन विस्पर सेड और सीम टू से.
अब जो यानी जो सेल्फ है ना वो बड़ा यानी अट्रैक्ट कर रहा है, सीम टू हर ईयर हिज विनिंग लिप्स टू ले. अब वो अपनी यानी अपने जो लिप्स है उसकी कान के साथ हल्के से यानी उस विस्पर कर रहा है वहाँ. एंड थस इन विस्पर सेड और सीम्स टू से, और यानी उसके कान कान यानी उसके जो लिप्स हैं उसके कान के साथ जो है उसको यानी गुदगुदा रहे हैं और उसको तो यानी कुछ बड़ा ही स्पेशल फील करवा रहे हैं. ठीक है. Fairest of mortals, though distinguished care of thousand bright inhabitants of air, या inhabitants of air selves को कहा गया है. ठीक है, जो airy spirits हैं उन्हें कहा गया है. वो कह रहा है कि यानी जो जितनी भी ये mortal जो fairies हैं ये जो उसके यानी इर्द गिर्द घूम रही हैं, थाउजेंड यानी काफ़ी ज़्यादा तादाद में है. यानी उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि एक यानी वर्जिनिटी को किस तरह दिखाया गया कि वो वर्जिन है, वो बहुत खूबसूरत है और उसकी खदमात के लिए कितनी ज़्यादा फेरीज जो हैं उसके इर्द गिर्द मंडला रही हैं. ठीक है. Of all the nurse and all the priest have taught of fairy elves by moonlight shadow seen. Sorry, ये मैंने दो एक स्किप कर दिया. Sorry, let me tell you once more. If ever one vision touched the infant thought of all the nurse and all the priest have taught. अब वो कह रहा है कि जितने भी priest हैं जितने भी nurse हैं यानी उन्होंने वो सिखाते हैं कि किस तरह जो है उसके जो जो यानी उसकी जो नाजुकी है उसको बड़े अच्छे तरीके से यानी जो यानी उसकी जो नाजुकी है उसको बड़े तरीके से उनको किस तरह उनको हैंडल करना है उस चीज़ को, और सिल्फ यानी जो ट्रेनिंग है की जाती है कि किस तरह जो वर्जन जो हैं जो इस तरह की जो लड़कियां हैं और जो बड़ी नाजुक जो ख्वातीन हैं उनको यानी ये सारा सटायर इसलिए पेश किया गया है कि एक औरत देखो कोई एक औरत तो नहीं है माशरे में तो कितनी औरतें होती हैं तो उसको कितनी अहमियत देना और उसके लिए हज़ारों की तादाद में फ़ारिस का होना उनको तैयार करना और उसको यानी इतना ऐसे जैसे फील करवाना जैसे कि कोई वो आम इंसान है ही नहीं जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा कोई उसका रुतबा है इस तरह. तो क्योंकि उसमें ये पूरा सटायर पूरा मॉक एपिक पेश करके ही तो आपको बताना है कि किस तरह ट्रिवियल जो होते हैं सब्जेक्ट्स उनसे कितने कितने बड़े जो मसले हैं वो खड़े हो जाते हैं जिनको मैटर करना ही नहीं चाहिए वो कितने मैटर कर जाते हैं. अच्छा जी हम यस यहाँ थे. ऑफ एवरी एल्व्स बाय मूनलाइट शैडो सीन द सिल्वर टॉकिन एंड द सर्कल ग्रीन. अब ये जो यानी अक्सर एंजल का साइन होता है ना यानी सर के ऊपर गोल सा रिंग जो होता है वो उसने यहाँ उस चीज़ को बताया है कि जो फेरीज हैं ऑफ एयरी एल्व्स बाय मूनलाइट शैडो सीन ऐसे लगता है जैसे यानी जो चांद की रोशनी हो रही होती है ना कुछ यानी रियलिस्टिक नहीं लगता कुछ सुपर नेचुरल सा कुछ इमेजिनेशन सी लगती है. ठीक है फैंटेसी वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखती हैं ना ये सारी चीज़ें. द सिल्वर टॉकन एंड द सर्कल ग्रीन यानी जो सिल्वर जो होता है सिल्वर यानी ग्रीन और सिल्वर दोनों जो रिंग्स बनाए जाते हैं ऐसे लगता है जैसे एंजल्स हों और कुछ यानी बड़ी वर्चुअस स्पिरिट्स हों उस तरह का वो इमेज देने की कोशिश कर रहा है. और वर्जिन्स विजिटेड बाय एंजल पावर्स विद गोल्डन क्राउन्स एंड वर्थ्स ऑफ हेवनली फ्लावर्स. अब जो वर्थ्स होते हैं ना ये यानी शीट्स होती हैं जो फ्लावर की शीट्स होती हैं ना पूरी पूरी वो ये वो होती हैं. ठीक है अब वो कह रहा है और वर्जिन्स विजिटेड बाय एंजल्स पावर यानी जो वर्जिन्स हैं उनको जो एंजल्स हैं वो खुद आके देखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और उनको विजिट किया जाता है बाय एंजल्स विद गोल्डन क्राउन्स एंड वर्थ्स ऑफ हेवनली फ्लावर्स जो कि बिल्कुल फूलों के अंदर घिरे हुए होते हैं और जिनके गोल्डन क्राउन्स होते हैं यानी वो कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं वो कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट फिगर्स होते हैं. ठीक है जो उनको यानी जो उनकी हिफाजत के लिए आते हैं. हियर एंड बिलीव वो कह रहा है सुनो और यकीन करो दाई ओन इम्पॉर्टेंस नो कि यानी तुम लोगों की जो इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है. नो बाउंड दाई नैरो व्यूज़ ऑफ थिंग्स बिलो अब यानी जो चीज़ें वो बताएगा वो कह रहा है कि तुम्हारी जो सोच है वो इतनी तंग नज़र नहीं होनी चाहिए तुम्हें अपनी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए अपने अपने दिमाग को बड़ा करो. ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों को तुम लेकर तो इतना इतना बड़ा जो है वो फसाद खड़ा कर दो. आगे वो सारा हमें बताएगा.
हमें ग्नोम्स के बारे में भी बताएगा, सेलेमेंडर्स के बारे में भी बताएगा, और किस किस तरह वो तंज करेगा कि किस तरह जो हैं औरतें जो हैं अपने हिसाब से अपनी जो फील्ड है वो चूज़ करती हैं। कुछ वाटर फेरीज बन जाती हैं, कुछ फायर फेरीज बन जाती हैं, और कुछ सेल्फ बन जाती हैं, कुछ ग्नोम्स बन जाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। सम सीक्रेट ट्रूथ्स फ्रॉम लर्न्ड प्राइड कंसील्ड to maids alone and children are revealed. What thought no crowded doubting wits may give, the fair and innocent shall still believe. अब यहाँ जो है अलेक्जेंडर पोप मिथ्स की बात कर रहा है कि जिन मिथ्स को यानी इंटेलेक्चुअल पर्सन्स जो हैं वो नहीं सही समझते, लेकिन वो कह रहा है कि जो मेडन्स हैं, जो वर्जन्स हैं, यानी जो बच्चे हैं या जो टीनेजर्स हैं, वो उस चीज़ को ज़रूर समझेंगे। यानी वो जो ऐसी जो मिथोलॉजीज़ हैं उनको ज़रूर समझेंगे, चाहे उनको कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन समझे या ना समझे। ठीक है, यहाँ वो यही कह रहा है ना, सम सीक्रेट ट्रुथ्स, यानी कुछ ऐसे सच हैं, ठीक है, जो कि फ्रॉम अ लर्न प्राइड कंसील, जो कि कुछ ऐसे जो बड़े ही प्राइड और प्रेजुडिस वाले जो लोग होते हैं उनसे वो सीखे जाते हैं। टू मेड अ लर्न एंड चिल्ड्रन आर रिवील्ड, जो कि वर्जन्स को और जो कि मेड्स को और जो चिल्ड्रंस को रिवील किए जाते हैं, यानी उनके सामने खोले जाते हैं वो राज। लेकिन वट थॉट नो क्रैडिड डाउटिंग विट्स मे गिव, द फेयर एंड इनोसेंट शिल स्टिल बिलीव। वो कह रहा है कि कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन उस चीज़ पे बिलीव करें, उन मिथ्स पे या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन पर जो हैं इनोसेंट जो हैं, जो बच्चे हैं, जो वर्जन्स हैं, जो यानी टीनेजर्स हैं, वो ज़रूर बिलीव करेंगे। ठीक है, आगे ये मैंने आपको 50 लाइन तक यहाँ पढ़ाना है आज की वीडियो में। फर्स्ट कैंटो में आई थिंक देयर आर 150 लाइन्स। Let me see. 140. I think it's 147 or 148 lines are there in Canto 1. So I'll finish this video with the 50 lines. So let me complete this video. Yes. Know then, unnumbered spirits round thee fly, the light Melita of the lower sky. ठीक है, these though unseen are ever on the wing, hang over the books and hover round the ring. Think what an equipage thou hast in air, and a view with scorn, two pages and a chair. अब यहाँ से मैं आपको इसको एलाबोरेट कर देती हूँ। वो कह रहा है कि नाउ देन अननंबर्ड स्पिरिट्स राउंड द फ्लाई, यानी उसके इर्द गिर्द अननंबर्ड काउंटलेस स्पिरिट्स जो हैं वो इर्द गिर्द उसके घूम रही हैं, राउंड कर रही हैं, चक्कर लगा रही हैं, उसकी हिफाजत कर रही हैं। द लाइट मिलिटिया ऑफ अ लॉयर स्काई, ठीक है, अब यानी जो लॉयर स्काई जो है, यानी ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं, नॉर्मल जो हाइट है वो लाइट मेलिटा है जो उसकी हिफाजत कर रही है। और लाइट मेलिटिया का मतलब होता है कि यानी जो आर्मी, यानी एयर की आर्मी, जो यानी हवा में जो स्पिरिट्स हैं उनकी पूरी जो आर्मी है, यानी जिस तरह मिलिट्रिया का मिलिट्रिया जैसे मिलिट्री होती है, ठीक है, मिलिट्री से आप याद रखिएगा। द लाइट मिलिट्रिया, लाइट क्योंकि बहुत लाइट हैं वो, यानी बहुत ही छोटी छोटी से ये हैं, ये स्पिरिट्स हैं, और इनके विंग्स भी बहुत ज़्यादा नाजुक और मासूम से हैं, बिल्कुल हल्की फुल्की सी, तो उसने इस चीज़ को आपको इस तरह बताया है। दीज दो अनसीन, बेशक ये नज़र नहीं आ रही, आर एवर ऑन द विंग, लेकिन इनके यानी विंग्स हैं, नज़र बेशक नहीं आ रही लेकिन ये हरकत में तो हैं, ज़िंदा तो हैं। हैंग ओवर द बॉक्स एंड होवर राउंड द रिंग, अब यहाँ वो ये कह रहा है कि दिस सराउंडेड यू व्हेन यू सिट इन योर बॉक्स एट द थिएटर, एंड दे फ्लाई अराउंड यू व्हेन यू आर टेकिंग अ ड्राइव थ्रू हाइड पार्क, क्योंकि वो जो हैं सिर्फ जो हैं वो आपको देखेंगी, आपका ध्यान रखेंगी, जबकि यानी ये जो उसने यूज़ किया है ना वर्ड बॉक्स का,
ओवर द बॉक्स, ये यानी जो थिएटर है और ओपरा है उसके लिए उसने ये चीज़ यूज़ की है, ठीक है। बॉक्स यानी जो थिएटर होते हैं या कोई ऐसी जगह जहाँ आपको पोर्ट्रे किया जाता है कोई भी ड्रामा या कोई भी यानी किस कोई भी जो इस तरह की आर्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। आगे वो कहता है थिंक व्हाट एन इक्विपैग दो हैस्ट इन एयर, ठीक है। अब इक्विपैग का, सॉरी गाइस आई एम नॉट फीलिंग वेल नाउ अ डेज, और फिर भी मैंने कोशिश की है क्योंकि काफ़ी दिन गुजर गए थे, मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो मैं चाह रही थी कि पार्ट वन का भी कुछ शेयर करूं आप लोगों के साथ। रेप ऑफ द लोक इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बुक, तो सोचा कि ये यहाँ से स्टार्ट किया जाए, और ये कुछ काफ़ी मुश्किल भी स्टूडेंट्स को लगती है, तो मैं चाह रही थी कि इसको आसान अल्फाज में आप लोगों तक पहुँचाया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियोज़ भी अपलोड करती रहूँगी इसके साथ। अब यहाँ वो कह रहा है कि थिंक व्हाट एन एक्विपैग दो हैस्ट इन एयर, अब ये जो गार्डियंस हैं, ठीक है, ये किस तरह मंडला रहे हैं हवा में उसके इर्द गिर्द। एंड व्यू विद स्कॉन टू पेजेस एंड अ चेयर एज नाउ योर ओन आर बींग्स वर ऑफ ओल्ड। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में भी जो उन्होंने लिखा हुआ है वो भी बता देती हूँ। यू टू सर्वेंट्स हु कैरी यू एन अ सीडन चेयर, सीडन चेयर जो होती है, जो एक पर्टिकुलर चेयर होती है, ठीक है, जो यानी घूमने वाली चेयर होती है, जिसे आप पालकी भी कह सकते हो, ठीक है। आर कंटेम्प्टेबल एज कंपेयर टू दिस होस्ट ऑफ अटेंडेंट्स, ठीक हो गया। आगे यानी जो जिस चेयर पे वो बैठ के तैयार होते हैं या ऐसे झूमने वाली चेयर उसकी बात हो रही है, या बैठने वाली या कोई भी ऐसी कंफर्टेबल जो यानी बैठने के पर्पस के लिए यूज़ होता है। एज़ नाउ योर ओन आर बींग्स वर ऑफ ओल्ड, और यहाँ वो कह रहा है कि यानी द क्लास ऑफ बींग्स टू विच आई बिलोंग्स वो एट वन टाइम लाइक यू दे वंस एग्जिस्टेड इन द शेप्स एंड बॉडीज ऑफ ब्यूटिफुल वुमन। अब यानी जो जो पुरानी बातें जो बीत चुकी हैं, जो गुजर चुका है, ठीक है। एंड वंस इनक्लोज इन वुमेंस ब्यूटियस मोल्ड देंस बाय अ सॉफ्ट ट्रांजिशन वी रिपेयर। आगे कहता है फ्रॉम अर्थली, मैं आपको भी इसका लाइन टू लाइन टेक्स्ट भी करवा देती हूँ, लेट मी रीड फर्स्ट। फ्रॉम अर्थली व्हीकल्स टू दीज ऑफ एयर थिंक नोट वन वुमेंस ट्रांजिस्ट ब्रीथ इन फ्लड इस फ्लड दैट ऑल हर वैनिटीज एट वंस आर डेड। यहाँ तक हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी आपको। ये मेरे ख्याल से मैंने रिपेयर और एयर यहाँ हम एंड करेंगे, फिर इंशाल्लाह जो बाकी मैंने टू लाइंस पढ़ी हैं उसको हम अगली वीडियो में कंसल्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ वो हमें कह रहा है कि जो यानी जो औरतें होती हैं जो कि मर भी जाती हैं उसके बाद भी जो हैं उनकी वैनिटीज़ उनकी शौकियाँ वगैरह ख़त्म नहीं होती, ठीक है। मैंने यहाँ से छोड़ा था, यस, एंड वंस से एंड वंस इनक्लोज इन वुमेंस ब्यूटियस मॉल, ठीक है, और देन बाय अ सॉफ्ट ट्रांजिशन वी रिपेयर। अब यहाँ वो बात कर रहा है उन औरतों की यानी इन सेल्फ की जो कि पहले कभी औरतें हुआ करती थीं, ठीक है। वो अपनी पुरानी बातों को याद कर रही हैं कि जब वो औरतें हुआ करती थीं तो क्या सिचुएशन होती थी, यानी वो भी इन सब चीज़ों से जो कि बिलिंडा जिस चीज़ से गुजर रही है वो भी इन चीज़ों से सबसे गुजर के आई हैं। वो यहाँ ये कह रहा है द क्लास ऑफ बींग टू विच आई बिलोंग वो एट वन टाइम लाइक यू, यानी बिलिंडा से वो क्या अपने जहन में यानी अलेक्जेंडर पोप अब किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं, वो एक सिल्फ की ज़ुबान बोल रहे हैं, यानी सिल्फ के थ्रू माउथपीस जो है यानी जो अलेक्जेंडर पोप हैं उस सिल्फ का माउथपीस हैं जो कि हमें बता रहा है कि हम यानी औरत है वो कि मैं भी कभी जो थी इन सब चीज़ों से गुजरा करती थी और ये वक्त मैं सारा देख चुकी हूँ। दे वंस एग्जिस्टेड इन अर्थली फ्रेम्स, अर्थली फ्रेम्स यानी वो पहले इसी तरह, अब तो वो एक सेल्फ है ना, एक नाजुक सी पंखों वाली, एक नाजुक सी परों वाली एक एयर फेरी है जो कि पहले एक यानी प्रॉपर एक वुमेन हुआ करती थी, एक लेडी हुआ करती थी और इसी तरह तैयार होती थी, इसी तरह उसके नखरे होते थे जिस तरह इस टाइम बिलिंडा के हैं, ठीक है। वी पास्ड बाय अ स्मूथ चेंज इनटू एयरी फ्रेम्स डिनोटिंग दैट व्हेन अ वुमेन्स ब्रीफ लाइफ ऑन अर्थ इज ओवर ऑल हर वैनिटीज आल्सो डाई एट वंस। अब ये अगला आ गया शायद अगली लाइन का, यहाँ यानी
Thence by a soft transition we repair. अब जो है transition होती है ना, change आ जाता है, पहले वो औरतें होती हैं, बाद में मरने के बाद वो एक light जो है अगली line में कहता है from earthly vehicles to these of air, यानी earthly जो bodies थी, earthly being थे, human beings थे, उसको change करके मरने के बाद वो क्या बन गई, वो fairies बन गई, यानी air का, air से जो related जो होती हैं, यानी जितनी भी creatures होती हैं वो उसमें आ गई. ठीक है, होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो आई स्टार्ट फ्रॉम 51 एंड आई ट्राई टू कवर 100 लाइंस, यानी 51 से स्टार्ट करेंगे और 100 लाइंस पर ख़त्म करेंगे, और फिर उससे थर्ड वीडियो में हमारा जो है पूरा कैंटो 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ऑल्सो इन ऑर्डर टू मेक मी रियलाइज दैट एम आई गुड, एम आई टीचिंग गुड और नॉट. And see you soon.